दोस्तों, गलवान कंट्रोवर्सी को लेकर अब प्रकाश राज भी इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं और ऋचा चड्ढा का सपोर्ट करते हुए आखिरकार उन्होंने अक्षय कुमार जैसे दिग्गज कलाकार की भी फटकार लगा दी। बता दें कि साल 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान नामक जगह पर भिड़ंत हुई थी, जहां पर भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। इस जंग में भारतीय सैनिकों के साथ चीन के भी सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। ऋचा चड्ढा इन दिनों गलवान मुद्दे के बाद काफी खबरों में बनी हुई है। उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लोग ऋचा चड्ढा के ट्वीट को लेकर उनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस पर लगातार स्टार्स के रिएक्शन आ रहे हैं। मामले को बढ़ता देख ऋचा ने अपने गलवान ट्वीट को लेकर माफी मांगी है। एक और जहां कई सेलेब्स ऋचा को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो कई उनके पक्ष में अपनी बात भी रख रहे हैं। हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार ने ऋचा के गलवान ट्वीट पर उनकी कड़ी निंदा की थी। वहीं अब प्रकाश राज ने अक्षय कुमार के रिएक्शन पर बात रखते हुए अपना ट्वीट किया है। साउथ एक्टर प्रकाश राज अक्सर हर मुद्दे पर अपनी बात रखते नजर आते हैं। वहीं अब उन्होंने अक्षय कुमार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी अक्षय कुमार, ये कहकर ऋचा चड्ढा आपसे ज्यादा हमारे देश के लिए ज्यादा प्रासंगिक है सर। प्रकाश ने इसके पहले एक और ट्वीट करके ऋचा के साथ होने की बात लिखी है। उन्होंने ऋचा के गलवान ट्वीट पर लिखा था, हम आपके साथ हैं ऋचा चड्ढा, हम जानते हैं कि आपके कहने का क्या मतलब था। बता दें कि अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के वायरल ट्वीट के स्क्रीनशॉट को रिट्वीट किया था। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था, ये देखकर मुझे दुख हुआ, हमारी भारतीय सेना के प्रति हम अनग्रेसफुल नहीं हो सकते, वे हैं तो आज हम हैं। इसके साथ अक्षय ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी बनाया। इसके बाद ही प्रकाश राज ने रिएक्ट किया और अक्षय कुमार को जवाब दिया। वैसे आप सभी को क्या लगता है इस पूरे में कौन सही है, अक्षय कुमार या फिर प्रकाश राज, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।